नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो हम आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे की बातें होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हार्ट की प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम हेल्दी हार्ट को रखने के लिए आपको कुछ ऐसे उपाय आज आपको बता रहे हैं जिनसे आपका जो दिल है वो सुरक्षित रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्वाद का स्वाद हुआ और सुरक्षा की सुरक्षा हो गई। जी हाँ दोस्तों, मसाले के प्रयोग से नाक से केवल खाने का स्वाद बढ़ता है, बल्कि इनमें से कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो दिल को सेहतमंद रखने का कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी दिल की सेहत को लेकर फिक्रमंद रहते हैं तो चलिए दोस्तों, आप इन 5 इस्तेमाल करिए मसालों का, आप देखेंगे कि आपको कितना फायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आपको लहसुन के बारे में बताते हैं। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दिल से जुड़ी बीमारियों को सबसे ज्यादा कारण होता है। खाने में लहसुन शामिल कर आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। लहसुन में एलर्जिस नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो न सिर्फ केवल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में कार्य करता है, बल्कि ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। ऐसे में लहसुन खाना दिल से जुड़ी बीमारियों को कारण होता है और यह आपकी सारी बीमारियों को दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, हल्दी भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी से गुणों से वह भरपूर होती है। हल्दी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने के कारण यह बहुत ज़्यादा मददगार होती है। इसके अलावा यह डायबिटीज से बचाव करने में एक अच्छा उपाय है। काली मिर्च दोस्तों, यह भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। काली मिर्च कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन को सक्रिय करने का कार्य करती है। ये न केवल ऑक्सीडेंटेबल मैनेज को सुरक्षा देने का कार्य करती है, बल्कि कार्डियक फंगस को भी बढ़ाती है। जी हाँ दोस्तों, दालचीनी भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। खाने में दालचीनी के इस्तेमाल से ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जिससे खून का थक्का बनने की आशंका बहुत कम हो जाती है। दिल से जुड़ी सारी बीमारियां सुरक्षित रहने के लिए रोजाना चुटकी भर दालचीनी का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, धनिया के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इससे मौजूद तत्व फ्री रेडिकल को दिल की सुरक्षा रखने में बहुत ज्यादा कार्य करती है। कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने के लिए धनिया के बीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आप अपने हार्ट की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, और मसाले भी नहीं छोड़ने पड़ेंगे और आपकी हार्ट की सुरक्षा भी हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही वीडियोस बनाने की बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है।